अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के मज़ीद केसेस सामने आते जा रहे हैं। इस सिलसिले में फेडरल गवर्नमेंट ने पूरे पाकिस्तान के अंदर तालीमी इदारों के अंदर 5 अप्रैल तक छुट्टियां दे दी हैं। इस सिलसिले में फेडरल बोर्ड के 9th और 10th क्लास के पूरे पाकिस्तान के अंदर जिसमें इस्लामाबाद, सिंध, KPK, पंजाब, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इनके अंदर 9th और 10th क्लास के एग्ज़ाम्स 4 मार्च से स्टार्ट थे, फिर उसके बाद वो मुलतवी कर दिए गए 13 मार्च तक। फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर यानी इस्लामाबाद, सिंध, KPK, पंजाब, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर के अंदर 9th और 10th क्लास के एग्ज़ाम्स फेडरल बोर्ड ने मुलतवी कर दिए। लेकिन ये नहीं बताया कि आपके 9th और 10th क्लास के एग्ज़ाम्स अब पूरे पाकिस्तान के अंदर फेडरल बोर्ड के वो कब होंगे। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और इस तरह की पूरे पाकिस्तान से स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन रिजल्ट, स्कॉलरशिप्स और बेतहाशा एजुकेशनल न्यूज़ के साथ आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भी मिल सके। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि फेडरल बोर्ड ने जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर ये लगा दिया है। आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि SSC एंड HSSC एनुअल एग्जामिनेशन 2020 हैज़ बीन पोस्टपोन्डेड। SSC एंड HSSC एनुअल एग्जामिनेशंस 2020 शैल बी कंडक्टेड इन जून एंड जुलाई 2020। रिवाइज्ड डेट शीट्स शैल बी इशूड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो दोस्तों फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल बोर्ड के जितने भी 9th और 10th क्लास के एग्ज़ाम्स हैं वो आपके 1 जून तक मुलतवी कर दिए गए हैं। फेडरल बोर्ड के जो 9th और 10th क्लास के एग्ज़ाम्स मुलतवी हो गए थे पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, आज़ाद कश्मीर के अंदर, अब वो 9th और 10th क्लास के एग्ज़ाम फेडरल बोर्ड के 1 जून के बाद होंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं HSSC यानी 11वीं और 12वीं क्लास के जो एग्ज़ाम्स फेडरल बोर्ड के पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर इस्लामाबाद, सिंध, KPK, बलूचिस्तान और इसके अलावा दूसरे सूबे शामिल हैं आज़ाद कश्मीर, उनके अंदर जो 11वीं और 12वीं क्लास के एग्ज़ाम्स 9 अप्रैल से स्टार्ट होना थे, जिसकी डेट शीट भी जारी कर दी थी फेडरल बोर्ड ने, अब वो 9 अप्रैल से नहीं होंगे, वो आपके मुलतवी कर दिए गए हैं। वो एग्ज़ाम्स अब आपके जुलाई 2020 से होंगे अगर हालात अगर बेहतर हो गए तो। तो दोस्तों फेडरल गवर्नमेंट के तहत आपके 9th, 10th, 11th और 12th क्लास के एग्ज़ाम्स जो पूरे पाकिस्तान के अंदर फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जिसके अंदर इस्लामाबाद, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, सिंध, KPK, बलूचिस्तान और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के अंदर फेडरल बोर्ड के इम्तहान मुलतवी हो गए हैं, वो 1 जून से पहले जो शेड्यूल्ड थे वो अब नहीं होंगे, अब वो 1 जून से होंगे और आप जो है वो अपनी तैयारी उसके मुताबिक कर लें। तो दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फेडरल बोर्ड का, आप वेबसाइट के ऊपर जाकर ये चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये लेटेस्ट न्यूज़ आपको देनी थी। तो आपकी ये छुट्टियां हो गई हैं, आपको बहुत सुनहरा मौका मिल चुका है, इसके हवाले से आप अपनी तैयारी जो आपकी रह गई थी वो आप कर लें, अच्छे से अच्छी अपनी तैयारी कर लें ताकि अच्छे से अच्छी आपके ग्रेड आ सकें। इसके अलावा घरों पर ही रहें, अपना एहतियात करें, हाथ धोते रहें। इसके अलावा दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, इसके अलावा कमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा इसको शेयर करें ताकि फेडरल बोर्ड के दूसरे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता चल सके। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद।